अपने लगभग हर एपिसोड में हम आपको महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई कहानियां जरूर दिखाते हैं, और उसी कड़ी में हम आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले, जहां महिलाओं को सशक्त कर रही हैं, समाज और देश को आगे ले जा रही हैं सरोजनी गोयल नाम की एक महिला। जी हाँ, सरोजनी गोयल ने 13 महिलाओं का एक समूह बनाया है। ये लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, उनको पैकेजिंग करते हैं और फिर उन्हें बिक्री के लिए बेचते हैं। एक तरफ जहाँ ये आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद को भी बढ़ावा दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार के नित नए साधन अपना रही हैं और आर्थिक सशक्तिकरण की राह में हर दिन नई मिसाल भी पेश कर रही हैं। आज आपको लिए चलते हैं आदिवासी बाहुल्य जिला कोरबा, जहां की एक आदिवासी महिला ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसे देखकर आप भी जरूर वाह कर उठेंगे। जी हाँ, सरोजनी गोयल ने 13 महिलाओं की एक समिति बनाकर आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण शुरू किया है। खास बात यह है कि समूह की अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हैं। इससे जहां एक ओर ये आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग कर आयुर्वेद को देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य भी कर रही हैं। अभी हम लोग मार्केटिंग में सर वनौषधि बोर्ड ही हमसे मार्केटिंग का काम कर रही है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, और ये सब काम सब वनौषधि बोर्ड के द्वारा ही हमको सहयोग मिला है। 2014 में हमने काम यहाँ स्टार्ट किया वनौषधि बोर्ड के सहयोग से, कोरबा वन मंडल के माध्यम से हम लोग यहाँ काम किए, हमको जगह प्रोवाइड की गई है और हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वन विभाग से। अभी हम इंटरनेशनल नेशनल एग्जीबिशन में भी हम एक लगा चुके हैं स्टॉल। गाँव की ये महिलाएं आंवला, हररा, बेहरा आदि जड़ी बूटियां इकट्ठा करती हैं और फिर उसे परिशोधित और मशीनों से पैकेजिंग करके कई शहरों में बिक्री हेतु भेजती हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने थाईलैंड, कलकत्ता और कई अन्य जगहों पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और दिखाया है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं किसी से कम नहीं है। इस आयुर्वेदिक दवाई को हम लोग बनाते हैं। हम लोग अश्वगंधा, सतावा, मुसली, हर्रा, बहरा, ये सब दवाई जड़ी बूटी बनाते हैं साल में। आज ये महिलाएं पुरुष वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर महिला सशक्तिकरण की एक नई गाथा लिख रही हैं। ये समूह प्रतिदिन गांव-गांव, जंगल-जंगल घूमते हुए जड़ी बूटी ढूंढता है और फिर उसे सुखाकर, परिशोधित करके मशीनों से पैकेट बनाकर बेचता है और आय भी कमा रहा है। यानी कह सकते हैं कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं, पर जरूरत है तो एक मौके की। गुड न्यूज इंडिया के लिए कोरबा से सुरेश चंद्र रोहरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अशाला अब अपने व्यूअर्स के लिए